आदाब नाज़रीन, आज शहर केशवपुर अशोकापुरम रेलवे स्टेशन हदूद में दो जनरल क्लास पैसेंजर्स HWR 9266 फाइव आउट TN 06220 तिरुपति चामराजनगर एक्सप्रेस के दरमियान आज सुबह 10 बजे तसादम हो गया। वैसे तो हम ट्रेन हादसे की खबरें हम देखा करते हैं, ऐसे ही आज शहर के अशोकापुरम में इस हादसे को होने की खबर मिली, जिसमें किसी तरह का जानी नुकसान और शदीद ज़ख्मी होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। जैसे ही हादसे की खबर मौसूल हुई, रेलवे महकमे के अफसरान फौरी तौर पर जाए मकाम पहुंचकर इस ट्रेन में सवार मुसाफरीन को महफूज कराने को लेकर अहम मिशन को अंजाम दिया। NDRF टीम, जिसकी सरपरस्ती हरीश चंद्रा ने की, इस बचाव कार्रवाई के दौरान डॉक्टरों की टीम, नर्सिंग स्टाफ को जरूर हॉस्पिटल से तारफ रखते हैं, वो वहाँ पहुँचे। साथ साथ एम्बुलेंस में फर्स्ट एड की सहूलियात भी रखी गई। फौरी तौर पर मुसाफरीन की तबी इमदाद में अहम रोल अंजाम दिया गया। इस सिलसिले में डिविजनल रेलवे मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे राहुल अग्रवाल ने नामाधिकारियों को कहा कि हमने इस हंगामे कार्रवाई को सारे टीम अहबाब की मदद से 70 मिनट के अंदर तमाम हालात को मामूल हालात में तब्दील करने में कामयाब रहे। यानी सुबह तकरीबन 10 बजे होने वाले हादसे की वारदात में परेशान मुसाफरीन की बाहिफाजत तरीके से 12 बजे से के अंदर अंदर राहत कार्य के काम को अंजाम दिया गया, जाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है, जिसमें ज़रूरी और एहतियाती टीम के साथ साथ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के तहत 140 टन की वजनी क्रेन, मेडिकल रिलीफ ट्रेन में मौजूद डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ब्रिगेड टीम के अलावा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के अलावा सिविल पुलिस की टीम को भी शामिल किया गया, ताकि जल्द हालात को काबू में किया जा सके। इस अहम मिशन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान के अहम अफसरान तक को भी शामिल किया गया। बहरहाल इन दोनों के कोचेस में सवार 15 मुसाफिरों को सही सलामत बचा लिया गया और उन्हें फौरी मेडिकल सहूलियात भी पहुँचाई गई। यानी ये कहा जा सकता है ये हादसा जो हुआ है उसको लेकर रेलवे अफसरान ने काम का अंजाम देते हुए 15 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। कौशल न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो सरिया कहना बेस्ट।